मेरे हाथों में जो की आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ट्रांसपॉन्डर की। बेसिकली इसमें ट्रांसपॉन्डर चिप लगा होता है। हम बात कर रहे हैं दी ऑल न्यू ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X के बारे में। तो इसमें एक फीचर आती है, वो है इंजन इमोबिलाइजर। अब वो फीचर क्या है, बेसिकली वो एंटी थफ्ट का काम करता है। तो वो क्या है, जैसे ही मैं इसको इग्निशन में इसको इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट करने के बाद, हाँ इंसर्ट करने के बाद जैसे ही आप इस की को आप निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे एक अलार्म, यहाँ पे एक, हाँ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अलार्म जो इंडिकेशन जो आ रहा है, ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि इस बाइक का, यानी कि ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X का जो इंजन इमोबिलाइजेशन का जो फीचर है वो ऑन हो गया है, और वो बेसिकली 24 आवर्स तक ऑन रहता है। और इसका मेन फीचर ये है, ये बेसिकली एंटी थेफ्ट का काम करता है। अगर कोई आपके इस की को कॉपी भी कर लेता है ना, कॉपी करके कोई अगर डुप्लीकेट कर लेता है, तो वो आपके बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। हाँ इसका ये है कि अगर इस फीचर को अगर वो बाईपास कर ले तो फिर वो स्टार्ट कर पाएगा, बट इनिशियली वो स्टार्ट नहीं कर पाएगा। अब वो काम कैसे करता है, ट्रांसपॉन्डर चिप जो होता है, जैसे ही इसको आप इग्निशन में आप इसको इंसर्ट करते हैं ना, तो इसमें इस की में ट्रांसपॉन्डर चिप लगी है, और ये जो आपका इग्निशन जो जो इसका इग्निशन का जो सेटअप है, इसके अंदर एक रीडर का काम करता है, ये बेसिकली एक रिसीवर का काम करता है। तो वो रिसीवर जो होता है, इस की वाले चिप का जो डेटा होता है उसको रीड करता है। रीड करने के बाद दोनों को मैच करता है, अगर वो मैच हो जाती है तो फिर आप इस बाइक को स्टार्ट कर पाते हैं। बेसिकली ये फीचर आपने कार में देखी होगी, बट ये फीचर इसमें ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X में दिया है, यानी कि एंटी थेफ्ट। बेसिकली इसका मेन फंडा ये है कि ये एंटी थेफ्ट के लिए बनाया गया है।